Hello everyone, I am Dr. Rohit Goyal from Ayur Skin Clinic. Today I will discuss about laser hair reduction, permanent laser hair reduction. Laser hair reductions की बात करें तो हम laser technology की help से hair follicles को damage करते हैं जिससे उसकी regrowth रुक जाती है. There are so many type of laser hair reductions are available in market. Like diode laser hair reduction, IPL, Alexandrite laser hair reduction, NDR laser hair reductions. अगर इनके बारे में बात करें अब मैं आपको खुल के समझाऊंगा कि कौन सी लेजर किस प्रकार के हेयर्स में वर्क करती है, किस टाइप के हेयर्स में. तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायोड लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में. डायोड लेजर हेयर रिडक्शन के अंदर 808 नैनोमीटर की हाई लेजर बीम निकलती है, हाई एनर्जी लेजर बीम जो डायरेक्टली फोकस करती है हेयर फॉलिकल को. बट इसके अंदर थोड़ा लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस हर टेक्नोलॉजी में. यहाँ पर हम डार्क हेयर, जो कोर्स हेयर है, मोटा हेयर है, सिर्फ उसको टारगेट कर पा रहे हैं. जहाँ पर हमारा ग्रे हेयर है या फिर थिन हेयर है उस पर डायोड बहुत अच्छा काम नहीं करता. मगर हाँ, जो शुरुआती रिजल्ट्स देखने हैं और आपको मोटे हेयर्स हैं, जैसे फीमेल्स में अनवांटेड हेयर्स, चिन के हेयर्स हैं या फिर नॉर्मली आपके बॉडी हेयर्स हैं, वो कोर्स हेयर्स होते हैं, थिक होते हैं, तो उनमें अगर रिजल्ट्स की बात करें तो डायोड लेजर हेयर रिडक्शन सबसे बेस्ट है. हम बात करते हैं IPL की. IPL इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी होती है. इसके अंदर हम 400 नैनोमीटर से लेकर 1200 नैनोमीटर की एक पूरी ब्रॉड रेंज यूज करते हैं. इसमें भी एक एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है. जब वो स्किन के अंदर पेंट्रेट करता है तो नीचे जाके थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए अगर हम डायोड से कंपेयर करें तो इसमें एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम जाता है, इस वजह से इसमें सेटिंग्स थोड़ा लंबी खिंच जाती है. मगर हम IPL की बात करें तो IPL अपने फाइन हेयर्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है, ग्रे हेयर्स पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है. अब मैं बात करता हूँ NDR लेजर 1064 नैनोमीटर के साथ आती है. देखा जाए तो इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मगर ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के स्किन में जो होते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है. मगर इसके अंदर बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक तो पॉपुलर नहीं है, दूसरा क्या है, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर कम पॉपुलर है क्योंकि साउथ इंडिया में थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट ज़्यादा मिलता है. अब हम बात करते हैं अलेक्जेंड्राइट की. अलेक्जेंड्राइट में भी सेम है, इसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा अच्छा आता है. इसकी जो वेवलेंथ है वो 755 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, तो ये कम पेनिट्रेशन में अच्छा रिजल्ट देती है. अगेन यहाँ पर भी ड्रॉबैक यही है कि इसमें भी थोड़ा पेनफुल ज़्यादा है पेशेंट के लिए, और दूसरा रिजल्ट्स के मामले में बहुत अच्छा है मगर पेनफुल है, और बर्निंग के चांसेस इसमें भी प्रॉपर रहते हैं. दैट्स व्हाई अगर देखा जाए तो लेजर में अगर हम कोई ये कहता है कि डायोड लेजर ज़्यादा बेटर है या IPL ज़्यादा बेटर है या अलेक्जेंड्राइट ज़्यादा बेटर है, देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज को यूज़ करना ज़्यादा बेटर है. अगर आपके कोर्स हेयर्स हैं तो डायोड को यूज़ करें. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क कॉम्प्लेक्शन की साइड है और आप कोर्स हेयर्स भी हैं तो आप अलेक्जेंड्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप NDR भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप फाइन हेयर्स की बात करें तो आपको IPL टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको चूज़ करने के लिए कि आपको किस टाइप के टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए अपने लेजर हेयर रिडक्शन के लिए. अब दूसरी बात आती है कि अनवांटेड हेयर्स की बात करें तो अनवांटेड हेयर्स होते क्यों हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी, आप मैं लिंक शेयर करूँगा, तो आप उसमें अगर ये नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. Thank you.